everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Tejasvi Raj. Guys, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि आप अपनी कोई भी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए एक अच्छा सा होटल बुक करने का सोचते हैं? आप नंबर डायल करने जा रहे होते हैं कि इतने ख्याल आते हैं कि यार अगर उन्होंने कुछ इंग्लिश में पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी. आप सोचते हो कि यार होटल का ना आइडिया ड्रॉप करते हैं, कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं. वहां आप जाते हो, वहां वेटर आपका पीछा नहीं छोड़ता, वो भी आपसे इंग्लिश में बात करता है. आप ये सोचते हो कि यार जल्दी ना इसको फीडबैक देके घर के लिए निकलते हैं. आप कोई भी फीडबैक दे, चाहे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, वेटर पे देके बोलेगा, मैम प्लीज अलाउ मी 5 मिनट्स, लेट मी जस्ट कॉल माय मैनेजर. आप ये सोचते हो कि शिट, अगर वेटर की इंग्लिश इतनी अच्छी है तो फिर यार मैनेजर की कैसी होगी. मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग अभी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी प्यारी सी स्वीट सी वीडियो लेकर आऊं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे होटल कॉन्वर्सेशन के बारे में. सो दिस वीडियो विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. वीडियो के फर्स्ट हाफ में हम डिस्कस करेंगे कि आप होटल रिसेप्शनिस्ट से कैसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं. हर एक सिचुएशन देखेंगे. सबसे पहला कि अगर आप कॉल पे बुकिंग बना रहे तो कैसे बात करेंगे. दूसरा, आप चेक इन के लिए जा रहे हैं तो कैसे बोलेंगे. तीसरा, अगर आप रूम सर्विस को बुलाना चाहते हैं तो आप कैसे बात कर सकते हैं. एंड लास्टली, अगर आप चेकआउट करने जा रहे हैं तो आप क्या क्या बोल सकते हैं. तो मतलब हम हर एक पॉसिबल केस देखेंगे इस वीडियो में. उसके बाद इस वीडियो के सेकेंड हाफ में हम डिस्कस करेंगे रेस्टोरेंट के बारे में और हर एक पॉसिबल केस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो. सबसे पहला, आप कॉल पे बुकिंग बनाएंगे तो आप कैसे बात करेंगे, हम सबसे पहले उसको देख लेते हैं. सबसे पहले जो रिसेप्शनिस्ट है, आर का मतलब है रिसेप्शनिस्ट और वाई का मतलब है यू, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा है. तो रिसेप्शनिस्ट सबसे पहले आपको ग्रीट करेंगे, लाइक गुड मॉर्निंग, दिस इज एक्स वाई जी होटल, हाउ मे आई हेल्प यू. इसका मतलब ये है कि वो आपसे कहना चाह रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू ग्रीट यू एंड दे आर ट्राइंग टू आस्क कि मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, हाउ कैन आई असिस्ट यू. तो इस पे आपका परफेक्ट रिप्लाई क्या होना चाहिए उसको देखते हैं. गुड मॉर्निंग, आई वुड लाइक टू बुक अ रूम इन योर होटल फॉर 4 पीपल. 4 अगेन रेड से लिखा है बिकॉज दिस इज अगेन वेरिएबल. दो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो 2 पीपल, और अगर सिर्फ आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो सो 1 पीपल नहीं, 1 पर्सन, ठीक है. क्योंकि हमें एक ही रूम बुक करना है इसलिए हमने यहाँ पे अ लगाया है, क्योंकि अ का मतलब 1 होता है. लेकिन अगर आपको ज्यादा रूम्स बुक करने हैं सो यू कैन हैव 2 रूम्स, ठीक है. उसके बाद रिसेप्शनिस्ट आपसे पूछेंगे, ओके व्हेन आर यू प्लानिंग टू चेक इन सर, मतलब आप हमारे होटल में कब आने का प्लान कर रहे हैं. तो आप अपनी डेट बताएंगे कि आप कब आना चाह रहे हैं. आई विल बी अराइविंग ऑन दिस फ्राइडे, फॉर एग्जाम्पल आप फ्राइडे को जा रहे हैं, सो आई विल बी अराइविंग ऑन दिस फ्राइडे, मतलब मैं फ्राइडे को आऊंगा. अब आपने ये भी बता दिया कि आप कब प्लान कर रहे हैं चेक इन करने का. फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपकी चेकआउट डेट क्या होगी, उसी पे ही आपका प्राइस वेरी करेगा. तो आपसे क्या पूछेंगे, एंड व्हाट विल योर चेकआउट डेट बी, एंड व्हाट विल योर चेकआउट डेट बी. तो इस पे आपको क्या रिप्लाई देना है, आई एम जस्ट प्लानिंग टू स्टे फॉर अ नाइट सो आई विल बी चेकिंग आउट ऑन सैटरडे. मैं सिर्फ आपको ना फॉर्मेट बता सकती हूँ बिकॉज ऑफकोर्स मुझे आपकी एग्जैक्ट वो नहीं पता कि आप कब चेक इन कर रहे हैं, कब चेकआउट कर रहे हैं, वो सब आपको खुद ही फिल करना पड़ेगा. मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट दे सकती हूँ, बाकी सब तो आपको ही देखना पड़ेगा, ठीक है. तो आप क्या कह सकते हैं, आई एम जस्ट प्लानिंग टू स्टे फॉर अ नाइट. अगर आप 2 रातों के लिए रुक रहे हैं सो आई एम जस्ट प्लानिंग टू स्टे फॉर 2 नाइट्स, सो आई बी चेकिंग आउट ऑन दिस संडे, व्हाटएवर इट इज. फिर आप पूछेंगे कि इसका टोटल कितना होगा, सो हाउ मच वुड दैट बी इंक्लूडिंग द टैक्सेस एंड द ब्रेकफास्ट, बिकॉज सबको पता है एक्स्ट्रा टैक्सेस एड अप होते हैं. तो अगर आप ब्रेकफास्ट इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप ब्रेकफास्ट इंक्लूड करके अपना टोटल प्राइस पूछिए, और अगर नहीं करना चाहते तो नहीं पूछिए, या फिर अगर लंच या डिनर इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं, ठीक है. सो सर, हाउ मच वुड दैट बी इंक्लूडिंग द ब्रेकफास्ट एंड द टैक्सेस, ठीक है. तो उसके बाद वो आपको बता देंगे कितना होगा. फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी 7500 इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड ब्रेकफास्ट. इट विल बी 7500 इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड ब्रेकफास्ट, मतलब टैक्सेस भी इंक्लूड करके और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड करके टोटल इतने का बैठ रहा है. फिर जो रिसेप्शनिस्ट है ना, वो आपसे ये पूछेंगे कि क्या आपके साथ कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि दे वॉन्ट टू नो कि अगर कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो ऑफकोर्स प्राइसेस उसके हायर लगेंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं ट्रैवल कर रहा तो ऑफकोर्स उतने ही प्राइस लगेंगे. सो इफ एनी चाइल्ड इज ट्रैवलिंग विद यू, तो आप कहेंगे अ 13-year-old इज ट्रैवलिंग एज वेल, और अगर नहीं तो सिंपली यू विल से नो. और यहाँ पे ये अगेन ब्लू बॉक्स में इसलिए क्योंकि वेरिएबल है, बच्चे की एज की विधि करती रहती है, ठीक है. तो अगर कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो जो रिसेप्शनिस्ट है वो ये बोलेंगे, ओके सो यू विल हैव टू पे एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 1000 फॉर द ब्रेकफास्ट ऑफ द चाइल्ड, मतलब अगर आपको बच्चे को ब्रेकफास्ट बुफे कराना है तो वहां पे आपको 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे. अगर ये आपके बजट में सूट करता है, इफ दिस सूट्स योर पॉकेट, तो आप क्या कहेंगे,
या दैट वर्क्स फॉर मी. और अगर नहीं सूट करता है थोड़ा, मतलब यू नो बजट फ्रेंडली नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, ओ दैट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड. मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, उससे कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव है ये. Will any discount be applied? क्या कोई डिस्काउंट अप्लाई होगा? If I pay via credit card, अगर मैं credit card के through payment करता हूँ तो अगर कोई discount apply होगा तो मैं receptionist आपको बता देंगे, और अगर कोई discount apply नहीं होगा तो मैं receptionist आपको बता देंगे. उसके बाद आप ये पूछेंगे that may I know about the hotel amenities? Amenities basically क्या होती हैं, कि facilities जो भी आपको एक hotel में देखने को मिलती हैं. For example, is the pool operational? या फिर spa है, या फिर games वगैरह है, ये सब कुछ amenities में आता है आपकी. उसके बाद या तो आपको वर्बली सब कुछ बता सकते हैं कि सर ये अमेनिटीज में है, या फिर आपको ये भी कह सकते हैं सर यू कैन चेक ऑनलाइन. तो आप क्या कहेंगे, ओके आई डू दैट. एम आई सपोज टू पे एट द प्रॉपर्टी? मतलब क्या मुझे वहीं आके पे करना पड़ेगा, या फिर मैं ऑनलाइन भी पे कर सकता हूँ? तो इस पे जो रिसेप्शनिस्ट है वो क्या जवाब देंगे, सर यू मे ऑप्ट फॉर एनी. यू मे ऑप्ट फॉर एनी का मतलब है कि आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो. उसके बाद बस आपको फिर थैंक यू वगैरह बोलना है. तो बस यही सारे सेंटेंसेस हैं जो आपको एक फोन कॉल पे जरूरी लगेंगे. अगर आपको कोई भी बुकिंग करनी है किसी भी होटल में, तो सिर्फ यही सेंटेंसेस इनफ है. आपको सिर्फ इन्हीं सेंटेंसेस में बात करनी है. अब हम ये देख लेते हैं कि अगर जब आप होटल में चेक इन करने जा रहे होते हैं तो आपको क्या क्या सेंटेंसेस बोलने चाहिए. अब टाइम आता है चेक इन का. आप होटल में जाते हैं ये देखने के लिए कि आपके नाम की रिजर्वेशन है या नहीं, और फिर आप होटल में चेक इन कर सकते हैं. तो जैसे ही आप होटल के अंदर एंट्री लेंगे, रिसेप्शनिस्ट आपसे क्या पूछ सकते हैं, हाय सर इज देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद? हाय सर इज देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद? उनका कहने का बेसिकली मतलब है कि मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ, हाउ मे आई असिस्ट यू. तो उस पर आप क्या कहेंगे, हाय आई मेड अ बुकिंग इन योर होटल, कैन यू प्लीज चेक? I would like to check in today. कि मैंने आपके होटल में एक बुकिंग बनाई है, आप प्लीज चेक करके मुझे बता सकते हैं कि मैंने करेक्ट बनाई है या नहीं, और मैं आज ही चेक इन करना चाहता हूँ. उसके बाद रिसेप्शनिस्ट आपसे आपका नाम पूछेंगे, या फिर वो आपसे आपकी बुकिंग आईडी भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो वो सब आप बता दीजिएगा, इट्स ईबीसी या जो भी आपका नाम है. उसके बाद अगर आपने सही बुकिंग बनाई है तो वो क्या कहेंगे, यस सर आई कैन सी अ बुकिंग विद द नेम ABC एंड हियर आर योर रूम कीज, एंजॉय योर स्टे सर. ठीक है, इसका मतलब ये है कि हाँ सर मुझे एक बुकिंग दिख रही है ABC के नाम से, ये रही आपकी रूम कीज, एंजॉय योर स्टे सर. उसके बाद आप वाईफाई का पासवर्ड पूछ सकते हैं कि मे आई नो द वाईफाई पासवर्ड, और फिर वो आपको पासवर्ड बता सकते हैं. अब आपने चेक इन भी कर लिया, आप रूम के अंदर एंटर मिल गई, सब कुछ हो गया. उसके बाद अब आपके कॉफी वाउचर्स खत्म हो गए, आपकी टॉयलेटरी सारी खत्म हो गई, तो अब आप क्या करोगे, आप रूम सर्विस को फोन लगाओगे. कैसे करके बात करेंगे मैं बताती हूँ. हाय आई एम कॉलिंग फ्रॉम रूम नंबर 009. अपना रूम नंबर बताना इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद आप कहेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, एक्चुअली वी रैन आउट ऑफ द कॉफी पाउचेस एंड द टॉयलेटरीज. कॉफी पाउचेस तो सबको पता है क्या होते हैं, टॉयलेटरीज होती हैं जो भी हमारे बाथरूम का सामान होता है, जैसे कि सोप, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सब कुछ. तो आप बता सकते हैं आपको जो जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें बता सकते हैं. उसके बाद कुछ भी सेंस आप मतलब आप कुछ भेज सकते हैं हमारे रूम में. उसके बाद रिसेप्शनिस्ट कहेंगे, ओके आई डू दैट, इज देयर एनीथिंग एल्स यू नीड? मतलब ठीक है मैं वो कर दूंगा, बट आपको कुछ और चाहिए क्या? उसके बाद आप बता सकते हैं आपको कुछ और चाहिए या नहीं. फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए तो आप कह सकते हैं, येस आई नीड 3 ropes, इज इट चार्जेबल? आपको ये पूछना इंपॉर्टेंट है, क्या पता फिर आप चेकआउट के टाइम पे वो आपको इतना बड़ा सा बिल थमा दे, तो हम फिर डर जाते हैं यार पहले नहीं बताया, तो आप पहले ही पूछ लीजिए. तो आप पूछ सकते हैं इज इट चार्जेबल और कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है फ्री, और चार्जेबल का मतलब होता है जिसके पैसे लगेंगे. ठीक है, तो वो फिर आपको बता देंगे कि चार्जेबल है कॉम्प्लीमेंट्री है, उसके बाद आप मंगा सकते हैं. अब रूम सर्विस भी हो चुकी है. उसके बाद अब आपका आता है चेकआउट का टाइम. तो आप क्या कहेंगे, हाय गुड आफ्टरनून, इट्स माय चेकआउट टाइम, आई होप देयर आरंट एनी फॉर्मेलिटीज टू कंप्लीट. कई बार क्या होता है ना, होटल्स में कई सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि आपको कंप्लीट करनी होती है. तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं कि मेरा चेकआउट टाइम हो रखा है, आई होप कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है जो मुझे कंप्लीट करनी है. तो उसके बाद अगर कुछ होगा तो रिसेप्शनिस्ट आपको बता देंगे, अगर कुछ नहीं हुआ तो भी बता देंगे. So they can say yes before leaving. Could you please type your valuable feedback? मतलब कि जाने से पहले कि आप प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक टाइप कर सकते हैं. वो आपको बता देंगे कि आपको कहाँ पे टाइप करना है. उसके बाद आप कह सकते हैं yes sure. उसके बाद ज्यादा से ज्यादा वो ये कह सकते हैं कि I hope you enjoyed your stay sir. उसके बाद आप thank you वगैरह बोल सकते हैं. बस खत्म. इसके बाद अब आप आराम से अपने घर जा सकते हैं. देखा कितना इजी था, आप फालतू में इतना डर रहे थे और घबरा रहे थे. अब आप ही एलिजिबल हो चुके हैं बाकी लोगों की तरह होटल रिसेप्शनिस्ट से अच्छे से फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करने के लिए. देखिए अब आपको मैंने सेंटेंसेस बता तो दिए, मेरा काम खत्म. अब आपका काम शुरू होता है कि आपको ये सारे सेंटेंसेस नोट डाउन करने हैं और इनको याद करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है.
अब इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है, अब हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में आते हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि अगर आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट या कैफे में जाते हैं तो वहां पे आप मैनेजर के साथ और वेटर के साथ कैसे बात कर सकते हैं। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले जो आपको मैनेजर मिलेगा ना, वो आपसे पहले ये पूछेगा, गुड इवनिंग सर, हाउ मे आई असिस्ट यू, मतलब मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। इस पे आपको जो भी पूछना है आप वो बोलेंगे। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे कि मुझे एक टेबल चाहिए, तो आपको कितने लोगों के लिए टेबल चाहिए आपको वो बताना होगा सबसे पहले। तो कैसे बताएंगे, गुड इवनिंग, आई लाइक टू हैव अ टेबल फॉर टू प्लीज। ये जो है ये वेरिएबल है, यहाँ पे आप टू की जगह फोर पीपल लगा सकते हैं, एनीथिंग, मतलब जितने लोग हैं उतना लगाइए, ठीक है। उसके बाद आपको मैनेजर कहेगा, श्योर सर, दिस वे का मतलब है इस तरफ आइए प्लीज। आपको कोई भी जो वेकेंट टेबल होगी वहां पे लेके जाएंगे और आप वहां पे बैठ सकते हैं। उसके बाद अब मैनेजर का काम खत्म हो जाता है, अब आता है वेटर, ठीक है। वेटर आपके पास आता है, पूछता है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, आप क्या खाना चाहेंगे, आप क्या खाना पसंद करेंगे। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक खाना है तो आप उनको बता सकते हैं कि आपको ये चाहिए। बट अगर आप उस जगह पे न्यू है और आपको ज्यादा पता नहीं है कि क्या लेना चाहिए तो आप ये भी पूछ सकते हैं, एक्चुअली आई एम न्यू हियर, मे आई नो योर स्पेशलिटीज प्लीज, मतलब मैं यहाँ पे नया हूँ, क्या मुझे आपकी स्पेशलिटीज पता चल सकती है, क्या आप मुझे अपनी स्पेशलिटीज बता सकते हो। उसके बाद आपने पूछा कि सर आपकी स्पेशलिटी क्या है वेटर से, तो फिर वो आपको बताएंगे जो भी उनकी स्पेशलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, सर आर क्लासिक पेने पास्ता इज वेरी फेमस। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, ओके आई वुड नीड अ क्लासिक पेने पास्ता एंड सम हॉट चॉकलेट। ये वेरी करेगा आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी आपको ऑर्डर करना है, बट फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे, ओके सर एनीथिंग एल्स, कुछ और चाहिए आपको, तो आप बता सकते हैं अगर कुछ और चाहिए तो। फॉर एग्जाम्पल, या जस्ट ए ग्लास ऑफ वाटर, मतलब एक ग्लास पानी चाहिए बस। उसके बाद वो कहेंगे, ओके सर प्लीज अलाउ मी 5 मिनट्स, मतलब ठीक है सर मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दो, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आप कहेंगे, या श्योर। गाइस अब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और आपने खाना भी खा लिया, अब वेटर आपके पास आता है रिव्यूज जानने के लिए, फीडबैक जानने के लिए। सो क्या पूछते हैं, हाउ वाज द फूड सर, आपको फूड कैसा लगा, या फिर हाउ डिड यू लाइक द फूड सर, दोनों पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं दोनों में से। तो आप अपना फीडबैक दीजिए, इट वॉज रियली डिलिशियस, थैंक यू फॉर द सर्विस, ये आपका भी यूज करेंगे अगर आपको अच्छा लगा जेन्युइनली खाना। और अगर कुछ प्रॉब्लम थी खाने में तो आप क्या कहेंगे, आई फाउंड द मील रियली टेस्टी बट आई फाउंड अ हेयर इन माय मील, इसका मतलब यह है कि खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी था बट मेरे को मेरे खाने में ना एक छोटा सा बाल मिला। तो उसके बाद वेटर क्या कहेगा, वी आर रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सर, वी विल गेट अनदर मील एंड कॉम्प्लीमेंट्री डोनट फॉर यू, ठीक है। जो भी वो एक्स्ट्रा फ्री में देते होंगे, अगर आपके मील में बाल निकल जाता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो क्या करते हैं आपके लिए नया दोबारा से प्रिपेयर करके लाते हैं, उसके कोई भी चार्जेस नहीं लगते। तो वो यही बताना चाह रहा है, यू विल गेट अनदर मील एंड कॉम्प्लीमेंट्री डोनट, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब फ्री डोनट। So yeah guys, that's all for today's video. I hope you enjoyed watching this one. I'll see you guys next time. Bye bye. Thank you.